तारा जी, मेरे सपने में तारा, वो और मेरी रिप्लेसमेंट नाना। अरे कहा ना, सैटरडे के दिन नहीं आ पाएंगे। अब इंग्लिश में बोलूंगा तो मानोगे? नहीं नहीं, वो भांजे का मुंडन पुंडन कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम है। मीटिंग है, मीटिंग बस, जरूरी मीटिंग है। अरे झूठ झूठ क्यों बोलेंगे? और तुमसे झूठ बोल के जाएंगे कहाँ? वो तो सैटरडे को पता चलेगा तुम कहाँ जाओगे। वो ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। अच्छा वो क्या, शिमला मिर्च लेके आएंगे, लेके आएंगे। बाबू, भाभी जी से झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच में सैटरडे को बिजी हो, मीटिंग। ओ मीटिंग है, सत्संगी मीटिंग एक सेटिंग है। गोपाल जी, सैटरडे को आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस सदर बाजार जाएंगे, शॉपिंग करना है, बाकी तो बस कुछ नहीं। लगता है बेचारे को बुलाया नहीं तारा जी ने अपनी पार्टी पे। बताऊंगा तो बुरा लगेगा। सैटरडे बेस्ट। टीचर, साहिल ने मेरे बालों पर चिंगम चिपका दी। साहिल आओ, यहाँ आओ अभी। तुमने गरिमा के बालों में चिंगम चिपकाई? Yes. क्यों? ये तो गलत बात है ना? चलो सॉरी बोलो। टीचर। साहिल, देखो मुझे बच्चों को डांट पड़वाना पसंद नहीं, वरना मैं अभी प्रिंसिपल सर से जाके तुम्हारी कंप्लेंट करती। जा बैठो अपनी जगह पे। गरिमा, जाके बाल ठीक कराओ। सॉरी। आलिया, सिर्फ आ रहा होगी। ये क्यों बुला रही है? इसे भी सेम सपना तो नहीं आ गया? आज आलोक जी नहीं है? नहीं, वो मम्मी जी को कुछ काम था तो बाहर गए उनके साथ। ओके। अच्छा, मुझे तुम दोनों को इनवाइट करना था। इस सैटरडे को मेरे घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी है। आलोक जी को भी बता दोगी? पार्टी अचानक? अरे पार्टी के लिए थोड़ी ना कोई मुहूर्त निकलता है, पार्टी तो ऐसे ही प्लान हो जाती है। यू नो, दिल्ली में हम हर सैटरडे संडे पार्टी करते थे। हाँ? या वाह, पार्टी आने में निकली तुम तो। मैं बता दूंगी आलोक। ओके चल बाय। आलिया, तुम्हें कभी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो तो बिना हेजिटेशन के मुझसे पूछ लेना। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तुम्हें कैसे पता मुझे रिप्लेसमेंट की जरूरत है? अरे इसमें पता होने वाली क्या बात है? आजकल वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, तो अगर तुम्हें कभी भी जरूरत लगे कि तुम्हें रेस्ट लेना है तो तुम्हारी कमी मैं पूरी कर दूंगी, बच्चों को मैनेज कर लूंगी। और एक फ्रेंड के खातिर ना तो कर ही सकती हो ना। ठीक है, चलो बाय। ये मेरी कमी पूरी करेगी? ना ना, तो मेरे आलोक से जितनी दूर रहे उतना अच्छा। हेलो। हाँ मम्मी। अच्छा सुनो मम्मी, वो कानपुर वाली से बात चला लो। क्या फिक्स हो गई उसकी? अच्छा, और वो हिसार वाली हनीमून पे गई है? यार मम्मी। अच्छा सुनो ना, वो हिमाचल वाली से बात कर लो यार, चले जाएंगे पहाड़ों पे बारात लेके, कौन सा फर्क पड़ता है? क्या बोल रही हो, रोहतक वाले आए हैं? हाँ हाँ, तो उन्हीं से मीटिंग करा दो। ठीक है, शनिवार ठीक रहेगा। ओके चलो रखते हैं। कब होगी यार हमारी शादी? हाय राजेश जी। हेलो तारा जी। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। इस सैटरडे को मैंने घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है और आपको जरूर आना है। सैटरडे? नहीं नहीं तारा जी, वो सैटरडे को तो हम लड़की देखने जा रहे हैं ना। लड़की? तो फिर शालिनी जी? अब वो मान ही नहीं रही तो क्या करें, दिसंबर में बर्थडे है। शालिनी जी का? नहीं नहीं, मेरा 39 के हो जाएंगे तारा जी। बहुत प्रेशर हो गया हम पे तारा जी, ये दो चार रिश्ते जो आ रहे हैं ना वो भी आने बंद हो जाएंगे।
तो फिर आपको पार्टी में जरूर आना चाहिए। शालिनी जी भी आ रही है। वो तो रोज स्कूल भी आती है। कौन से झंडे गाड़ लिए हमने, सिंगल आते हैं सिंगल ही चले जाते हैं। अरे तो इसलिए तो पार्टी पार्टी होती है। समझा नहीं तारा जी। देखिए जब पार्टी होती है तो लड़की अलग से सच कर आती है, लड़का हैंडसम बनकर आता है। आप भी जरा हैंडसम डूड बनकर आइए, क्या पता अलग लगने से शालिनी जी भी आपको अलग नजर से देखे। हैं? वरना सैटरडे को तो आप उस लड़की को मिलने जाएंगे। नहीं 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 तारा जी, सैटरडे को तो हम आपके यहाँ पार्टी में आएंगे। थैंक यू तारा जी, आपने अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी का इन्विटेशन नहीं दिया बल्कि हमारी शादी के इन्विटेशन की नींव रखी है। थैंक यू तारा जी, शुक्रिया है आपका। यू वेलकम राजेश जी, आइएगा जरूर। जी जी बाय बाय। हाँ मम्मी, रोहतक वाले को मना कर दो। अरे क्या मम्मी भड़क क्यों रही हो, मैं नाच मिटा थोड़ी हूँ। हाँ मम्मी। सर ये वो आपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी थी ना? यस यस, थैंक यू आलिया, थैंक यू। खड़ा जाए यहाँ पे, खड़ा। महोदय इस कुमार के हृदय पिंड से गुरुओं के लिए प्रीति श्रद्धा सम्मान निष्ठा भाव इत्यादि की शून्यता आ गई है। है जी? शांत। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं इस कुमार ने पूरे विद्यालय में हमें उपहास का केंद्र बना रखा है। ये देखिए यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप इस कुमार की उदंडता का समाचार आलिया जी से पूछ सकते हैं। आलिया जी आप बताइए ना जरा। जी सर, साहिल की बदमाशी तो लिमिट के बाहर जा रही है। आज इसने गरिमा के बालों पे चिंगम भी चिपका दिया। जी बताइए ये कोई गरिमा है? साहिल बेटा जाओ क्लास। अरे देखा श्रीमान आपने, पर आपने डांटा क्यों नहीं? क्या डांटता बेचारे को चतुर्वेदी जी, इसकी माँ काफी साल पहले गुजर चुकी है। इसकी माँ के जाने के बाद इसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, वो भी किसी मॉडर्न ख्याल वाली औरत के साथ। अब उसे पार्टियों से फुर्सत नहीं, बच्चा क्या संभाले। इसीलिए ये यहाँ टेंशन देकर अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। जी चल रहे बेचारे के साथ। अब आप जाइए। हाँ हाँ हाँ। दिल्ली में हम हर सैटरडे संडे पार्टी करते, पार्टी के लिए थोड़ी ना कोई मुहूर्त निकलता है। मेरे रोहन को मैं तारा जैसी औरत के हवाले तो कभी नहीं करूंगी, वो पार्टी ही करती रह जाएगी। मेरे रोहन का क्या होगा? ना ना, तारा कभी रोहन की मां नहीं बन सकती। फिर मुझे अपनी रिप्लेसमेंट में तारा क्यों दिखी? ना ना, हेमंती वाले ये सपना सच ना होने पाए बस। आलिया बेटा वो फाइल तो दी नहीं। सॉरी सर। आलिया ये देखो तुम्हारे लिए गुड़ की पट्टी बनाई है, वो माँ बेटा तो वहां ब्याह में खाना खा लेंगे, तुम ये खा लो। क्या हुआ? हे भगवान, हम जब भी तुम्हारी बाइक पे बैठते ना लोग, हमारी एकदम कमर टूट जाती है, इतना दर्द कर रहा है, इतना ज्यादा। तुमको आराम आराम किस? ये क्या है? वाह, हमारे जाते ही तुम माँ बेटी की पार्टी शुरू हो जाती है ना? पर आप लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? आप लोग तो शादी के बाद रात को आने वाले थे ना? शादी हुई नहीं तो वापस ही आना पड़ा। क्यों? तुम्हारी अम्मा की वजह से। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या, तुम ही तो ऐसे आग फड़काए नाच रही थी। और बुरा हो गया उस बेचारी सुमन के साथ। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, दूल्हा मंडप पर पहुंचा ही नहीं और फिर सब लोग बातें कर रहे थे कि शायद उसका किसी दूसरी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा था। बेचारी सुमन, लड़की क्या समझ लो, गाय है गाय, इतनी संस्कारी कि नजरें उठा के ना देखे, मुंह खोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं।
गुनगुनाने बैठे ना तो गिनती खत्म हो जाए। समझ लो गुणों का भंडार है भंडार। बिल्कुल हमारी आलिया जैसी है। अरे वो सब तो ठीक है, पर वो गोपाल अंकल, मैं उनको कह रहा हूँ कि लड़का शादी छोड़कर भाग गया तो कह रहे बेटा भागकर एक नाम तो ले आ, मतलब इस टाइम पे खाने की पड़ी उनको। अरे कुएं में गए तुम्हारे गोपाल अंकल। बेचारी सुमन का सोचो, कौन अपनाएगा उसे, कैसे होगी उसकी शादी, है ना? मम्मी अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो उसे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। सुनो, किसी के जानने में कोई लड़का हो तो सुमन के लिए बताना। आलिया तुम्हारे स्कूल में या यारों दोस्तों में कोई है क्या? है ना, एक लड़का है मेरी नजर में सुमन के लिए। अरे बालिया, बहुत सफाई चल रही है, क्या बात है? अरे मम्मी आज वो सुमन आ रही है, बताया था ना। ओ हाँ हाँ, वही लड़की ना जिसका दूल्हा भाग गया। हाँ। बेचारी। ये आलिया, तुम कह रही थी तुम्हारे नजर में कोई लड़का है, कौन है? बताती हूँ। आलिया सॉरी सॉरी, लेकिन पहले तुम बताओ क्या आज शाम को कहीं बाहर चलोगी? अरे तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं और तुमको बाहर जाना है? हाँ, आलोक रहेंगे ना घर पे तो वो उसको अटेंड कर लेंगे, हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं। एक मिनट, हम बाहर जाएंगे तो आलोक हमारे साथ नहीं चलेगा? आलोक को एसिडिटी हो गई है। ओ। तो वैसे भी बाहर का नहीं खाएंगे, तो तुम और मैं चलते हैं, कुछ अच्छा सा चाइनीज खाएंगे। हैं? नमस्ते आंटी। हाय आलिया। हाय। सॉरी, कैसी हो तुम? आई एम गुड आंटी। अब घर पे नहीं थी तो आई थॉट आप यही होंगी। एक्चुअली मैं आपको इनवाइट करने आई थी। हैं? तुम्हारी शादी तय हो गई? अरे वाह वाह। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत दूर चली गई। एक्चुअली आज मैंने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है तो उसके लिए इनवाइट करना था। अच्छा, आलिया को तो मैंने कल स्कूल में इनवाइट कर लिया था। वैसे आलिया, तुमने आलोक जी को पार्टी के बारे में बताया ना? आलोक इसकी पार्टी में चले गए तो सुमन से कैसे मिलेंगे? ना ना। हाँ बताया था, लेकिन हम शाम को बाहर जा रहे हैं, प्लान बन गया है तो हम नहीं आ पाएंगे। व्हाट? लेकिन आलोक थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ पाएंगे। मम्मी ना, अच्छा होता ना अगर हम तारा के घर जाते, खाना खाते, अच्छा अच्छा मस्ती करते ना। एग्जैक्टली। अरे प्लान शिफ्ट नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता ना, देखो प्लान तो आलोक ही ने बनाया है, उन्होंने तो शेव भी कर लिया, मैंने कपड़े वपड़े भी प्रेस कर दिए, अब कुछ नहीं हो सकता ना। हाँ प्लीज कम ना, सब लोग आ रहे हैं, अगली बार आते हैं ना, आज नहीं हो पाएगा ना। ओके, आई मिस यू गाइस। हम भी। फोटो जरूर खींचना, हमें भेजना। हाँ ओके। हाँ चले आंटी, नमस्ते बाय। हमको पार्टी में क्यों नहीं जाने दे रही तुम? नहीं? अच्छा हम समझ रहे हैं कि तुम आलोक को इसकी पार्टी में नहीं जाने देना चाहती, लेकिन अगर आलोक को पता चल गया तो? ना ना, मम्मी आलोक को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि इसके घर कोई पार्टी चल भी रही है, क्योंकि आलोक को तो आज सुमन के साथ टाइम स्पेंड करना है ना। रशियन, ए रशियन बेटा, चल फटाफट से चेहरा चमका दे कोई नूर के जैसा। लग रहा है आज भाभी नहीं है आगरा में। किसके साथ जा रहे हो पिक्चर? जितना बोल रहा हूँ उतना कर, समझा? आज मेरा बहुत स्पेशल डे है रशियन। बाबू रशियन उधर क्या करा, फटाफट इधर आ जा, जी के सराय है, आ जा। और आउट ऑफ इंडिया से कौन सा फेशियल सीख कर आए थे? वो अबू धाबी फेशियल। हाँ वही कर दो, चेहरा मेरा एकदम चमका दो। आपका चेहरा चमका दे? भैंस की पूंछ एक बार अबू धाबी फेशियल से चमक जाएगी, लेकिन आपका चेहरा बाबू मतलब ऐसा कौन सा स्पेशल दिन है आज, वो तो बोलो। हे 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 भाई,
तुझे कैसे पता आज स्पेशल दिन है? अब फैसल करा के मैयत में तो नहीं जाएंगे ना? अरे हाँ यार, रशियन भदौरिया, चल फटाफट फेशियल कर दे, चमका दे चेहरा आज। कम से कम आप तो बता दीजिए कि आज कौन सा स्पेशल दिन है। आज तेरे भाभी को इम्प्रेस करने जाना, अब ज्यादा सवाल करके डिले मत कर, पहले ही बहुत डिले हो गए यार, 38 के हो गए भाई। अरे पर आपसे पहले दो लोग यहाँ लाइन में बैठे हैं, लगता है ये दोनों भी उसी काम के लिए जा रहे हैं। कौन है ये लोग? अभी दिखाता हूँ। जी के तुम? सत्संगी तुम? सदर बाजार मीटिंग, वाह। एक मिनट, तुम लोगों को भी तारा जी ने इनवाइट किया पार्टी में? हाँ। मुझे तो लगा तारा जी ने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है। हाँ, शाहरुख तो तुम ही हो। पर तुम लोग क्यों फेशियल कराने आ गए? हम तो अपनी शालिनी, मतलब शालिनी जी के लिए चमकने आए हैं। अरे भाई, तारा जी ने बुलाया है, थोड़ा तो स्टैंडर्ड लगे। तारा जी को पता चलना चाहिए आगरा वालों में कितना स्वैग है। लेकिन पहनोगे क्या? हम तो कोट पहनने वाले, शादी का कुछ तो काम आए। नहीं तो सड़ जाएगा। जालिम, क्या आइडिया दिया है यार, कोट पहन के तो डैशिंग लगेंगे हम। पर हमारे पास तो कोट है ही नहीं यार। बाबू, मेरे पास दो शेरवानी है, एक तुम ले लो। जीके, हम वहां शहनाई बजाने नहीं जा रहे। क्या? एक मिनट, आलोक जी के पास दो तीन कोट है, उनसे मांग लेते हैं। भाई देख लो जहां तुम्हारा जुगाड़ हो पाए। क्या है? तू क्यों फेसियल कर रहा है? हमें भी इनविटेशन है। तारा जी का? नहीं, गोलू पहलवान की भैंस के बेबी सावर का। तारा को बोल तो दिया कि रात को प्लान है इसलिए नहीं आ पाएंगे, पर प्लान तो कुछ है ही नहीं, क्या करूं अब? ये लीजिए दूध। अच्छा, ये बाहर का दरवाजा खुला था, कोई आया था क्या? नाना, कोई ना आया था, तुम ही तो गए थे बाहर, तुम ही खुला छोड़ गए होगे। ठीक है। अरे आज चाइनीज खाने का मूड कर रहे हैं, रात को चाइनीज खाने बाहर चले क्या? अरे वाह, मिल गया पार्टी में ना जाने का बहाना। अब मैं आलोक और सुमन को बाहर ही मिलवा दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, चलते हैं। हम वैसे भी कितने दिनों से बाहर नहीं गए ना। ठीक है। हाँ। अरे मम्मी ने आज कुछ स्पेशल वेशल तो नहीं बनाया ना? अरे क्या स्पेशल, रोज घी या तरोई तो बनता है। चलो ना चाइनीज खाने, सिकंदर चाइनीज हट चलते हैं, वहां का पनीर चिली, चिली गार्लिक नूडल्स, मोमोज, किलर हो जाएगा। नहीं ठीक है, चलते हैं शाम को। ना रुको, पहले प्रॉमिस करो वरना फिर तुम्हारी मम्मी कहेंगी फिर तुम यहीं बैठ के खाने लगोगे। ना ना, आज का प्लान कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुंह में पानी के साथ साथ ना शेजवान चटनी भी आ चुकी है। करो प्रॉमिस। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात को हम सिकंदर चाइनीज पर चाइनीज खाएंगे। ओके? ना ना, रोज वाला प्रॉमिस नहीं, स्पेशल वाला प्रॉमिस, मुमताज प्रॉमिस। मुमताज प्रॉमिस? करो अपनी मुमताज को मुमताज वाला प्रॉमिस, वरना फिर तुम मम्मी के चक्कर में नहीं चलोगे मेरे साथ। हमारी आलू, हम आज दावत है खास के लिए आपको चाइनीज खिलाने ले जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अरे राजेश, आओ अंदर आओ। अरे आओ आओ, छोड़ो भाई, हम निकलेंगे। सुनो, हमें तुमसे हेल्प चाहिए, दो चार मस्त कोट है ना तुम्हारे पास, एक दो ना यार आज रात के लिए। अच्छा, कहाँ जा रहे हो बंडन के? वही जहाँ आप जा रहे हैं। चाइनीज खाना है? चाइनीज? अब मेनू में चाइनीज हुआ तो खा लेंगे यार, पर तुम थोड़ी हेल्प कर दो यार, कोट दे दो। क्या है ना कि हीरो बनना है, शालिनी जी आ रही है। तो शालिनी जी भी चाइनीज खाने आ रही है।
मियां तुम चाइनीज को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट हो। नूडल पिज्जा रोटी जो भी होगा खा लेंगे यार, वोट दे दो ना। अरे ये सब कहाँ मिलता है वहाँ पे? वहाँ पे तो चाइनीज ही मिलता है। देखो भाई, तारा जी चाइनीज जहर भी खिला देगी ना तो खा लेंगे, वोट दे दो यार। अच्छा अच्छा, तो तारा जी भी चाइनीज खाने आ गए मतलब? यार फिर से चाइनीज चाइनीज क्या लगा रखा चाइनीज? अरे तो सिकंदर चाइनीज हट पे चाइनीज ही मिलेगा और क्या मिलेगा? सिकंदर चाइनीज हट वहाँ कौन जा रहा है भाई? मैं तो तारा जी की बात कर रहा हूँ। अरे उन्होंने बुलाया है ना वो हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए अपने घर पर, इसलिए कोर्ट मांगने आया। मतलब तारा जी के यहाँ पे हाउस वार्मिंग पार्टी है? हाँ। आपको भी तो आया होगा इनविटेशन। आलू, तारा जी का कोई इनवाइट आया था क्या? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.